आपकी दोस्त भी फर्क महसूस करेगी, तो आपकी दोस्त भी फर्क महसूस करेगी। कर रही थी, बताऊंगा पिंड वालों को। लड़कियों की बातें करते हैं, लेकिन लाखे तुम पंचायत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। अरे थूकता हूं मैं पंचायत के फैसले पर। तुम लोग अच्छे और बुरे में फर्क नहीं जानते। ये इंसान जो इस पूरे पिंड में बिजली लेकर आया था, तुम लोगों ने उसी के घर की बिजली काट दी। ये इंसान जो तुम्हारे खेतों के अंदर पानी लेकर आए थे, तुम लोगों ने उसी के खेतों में पानी बंद करा दिया। देखता जैसा इंसान तुम लोग इसे घर से बाहर निकालना चाहते हो, जिनके पूर्वजों ने ये पूरा पिंड बसाया है। तुम लोग ऐसे इंसान को बाहर निकालना चाहते हो। इतनी बेइज्जती मेरे दारजी की, इतनी बेइज्जती। अरे तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हें तो मैं पंचायत में देख लूंगा लाखे। तू मुझे पंचायत में देखेगा? लेकिन तुझे तो मैं यहीं पे देख लेता हूं। वो किसी अच्छे बंदे ने तुझे सरपंच बना दिया, तू तो सर पर ही चढ़ के बैठ गया। चलो, नहीं तो अभी मार मार कर तुम लोगों को बंदा बना दूंगा मैं। चलो, वो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ने अच्छे इंसान को इतना बुरा भला कह दिया? हाँ, हाथी हर्जी, मुझे माफ कर, मैंने आपके नियम को तोड़ा है दारजी। मैंने आपके घर की चौखट में कदम रखा, पर दारजी मैं क्या करता? उन बदमाशों को रोकने का जी मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए दारजी मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि आपको पसंद नहीं है जी मेरा इस घर में आना। पर दारजी मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस घर की चौखट में कभी कदम नहीं रखूंगा। आपके खिलाफ जो भी साजिश करेगा ना जी, उसे बाहर ही खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो दारजी। लाखा पुत्र है, लाका पुत्र है। हां जी दारजी। इधर आओ। कैसे आ जाओ दारजी? आपने मुझे इस घर की चौखट के अंदर कदम रखने से मना किया था। ओए मार गोली मेरे फैसले को, भूल जा सब कुछ। आज के बाद तू इस घर में कभी भी आ जा सकता है। आ जा मेरे पास आ। तारजी मुझे माफ कर दो, मैंने जस मैडम का साथ दिया। लेकिन दारजी जस मैडम ने मुझे कहा था कि लाखा जैसे सिमरन जी डांस कंपटीशन जीतेंगी तो लाखा तू जाकर वो रस्सी खींच देना। वो रस्सी खींचने से ऊपर से सारे फूल सिमरन जी के ऊपर गिरेंगे। बस दारजी तो सिर्फ वो रस्सी खींची थी। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई, मैंने माफ कर दो दारजी, माफ कर दो, माफ कर दो। लाखा पुत्र है, पुत्र माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तू माफी क्यों मांग रहा है? मैंने तुझ पर शक किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं पुत्र जी, मैं तुमसे माफी। नहीं दारजी, ये आप क्या कह रहे हैं?
आप मुझसे माफी ना मांगो जी, आप तो मेरे आदर्श हो जी, आप मेरे से माफी कैसे मांग सकते? खाल जी आप चाहो तो मुझे चार पांच चाटे और मान लो, लेकिन मुझे माफ कर दो दार जी। ते पुत्र आप मेरे सीने से लग जा। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। तुमने मुझे नहीं मौत को गले लगाया है गुरनाम सिंह, अब तू देखता जा मैं कैसे इस घर की एक एक ईंट को निकालकर इसकी दीवारों को खोखला बनाता हूं।